हाय गाइस, मेरा नाम है संजय सैमुअल। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और एक फिजिक एथलीट हूँ, और आज मैं आपको बताऊंगा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में, उसके फायदे क्या होते हैं एनाबॉलिक्स के, और एनाबॉलिक्स के नुकसान क्या होते हैं, और आप बॉडी बिल्डिंग अगर करना चाहते हैं तो एनाबॉलिक्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज करने का बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। अगर एनाबॉलिक्स को यूज करते हैं तो आपका है। मैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का क्या होता है, इसे कब इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ क्या होती है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, इस वीडियो में मैं वो इसकी जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन मैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और मैं आपको बताता हूँ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होता क्या है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एक तरह का सिंथेटिक है और ह्यूमन मेड एक वेरिएशन होता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का, जिसमें एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, मतलब इसे एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी बोला जाता है। एनाबॉलिक का मतलब होता है मसल बिल्डिंग, और एंड्रोजेनिक का मतलब होता है मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाने वाला, जैसे इसमें आपका लिबिडो आ गया है, स्पर्म काउंट बढ़ाना हो गया। अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को जूस रॉइड्स के नाम से भी कहा जाता है। अब एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स द्वारा जो एनाबॉलिक्स यूज की जाती है वो होती है जैसे डायटाबॉल, एनाड्रॉल, सुपरड्रॉल, और इंजेक्टेबल फॉर्म्स में जो आती है जैसे विंस्ट्रॉल हो गया, स्टेनाजोलॉल भी बोलते हैं, ट्रेनबोलोन एसीटेट, ट्रेनबोलोन एथेट, और बोल्डेरॉन है, और टेस्टोस्टेरोन के फॉर्म्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन सिप्रियोनेट हो गया है, प्रोपियोनेट हो गया है, एथेट होता है। इस तरह के एनाबॉलिक्स यूज की जाती है स्पोर्ट्स और बॉडी बिल्डिंग में। अब हम बात करेंगे एनाबॉलिक स्टेरॉइड की यूजेस और उसके बेनिफिट्स की। अब एनाबॉलिक्स यूज किया जाता है मेडिकल कंडीशंस में, जिसमें हार्मोनल इश्यूज जितने होते हैं उसे ट्रीट किया जाता है, मसल लॉस, कैंसर, एड्स को ट्रीट करने के लिए एनाबॉलिक्स को यूज किया जाता है। एनाबॉलिक्स को प्यूबर्टी में भी यूज किया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं जिनको 18 साल के बाद जो मेल्स है कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको डेवलप नहीं होते हैं, उसमें भी एनाबॉलिक्स को यूज किया जाता है। एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन उन्हें दिया जाता है, इम्पोटेंसी की अगर जैसे प्रॉब्लम होती है उसे भी अलग से टेस्टोस्टेरोन के फॉर्म में एनाबॉलिक्स दी जाती है। और स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स के द्वारा यूज किया जाता है, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ उनका बढ़ता है एनाबॉलिक्स को लेने के बाद, परफॉर्मेंस उनका बढ़ता है, मसल मास उनका बढ़ता है, और जब अपने बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन की तैयारी करते तो उनका जो फैट परसेंटेज होता है उसे लोअर करने के लिए यूज एनाबॉलिक्स को किया जाता है, ताकि स्टेज पे वो लीन, ड्राई और हार्ड और मस्कुलर दिखाई दे। अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं जैसे किडनी प्रॉब्लम होती है, किडनी फेलियर हो सकता है, आपका लिवर डैमेज हो सकता है, आपके एनलार्ज हार्ट एनलार्ज हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और इंक्रीज रिस्क हो जाता है ब्लड क्लॉट हो सकता है आपके ब्लड में। और मेल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है एनाबॉलिक्स को यूज़ करने के बाद, जब आप इसके डोजेस को अगर एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं, बहुत टाइम से इसको कंज्यूम करने से टेस्टिकल्स श्रिंक हो जाना, हो गया आपका स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाएगा अगर आप इसे बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो, और जो ब्रेस्ट टिश्यूज हैं वो डेवलप हो जाएंगे, आपकी जो निप्पल्स के नीचे का एरिया है वो बढ़ सकता है, जैसे गायनोकोमेस्टिया भी बोल सकते हैं, और बाल्डनेस की प्रॉब्लम हो सकती है आपको जब भी आप एनाबॉलिक्स यूज़ कर सकते हैं। वुमेन्स में एनाबॉलिक्स को कंज्यूम करने के बाद ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लग जाते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो उनकी रहती है वो बंद हो जाती है, और उसमें बहुत सारे दूसरे एबनॉर्मल चेंजेस आने लग जाते हैं। अब एनाबॉलिक्स को आप सेफ और करेक्ट डायरेक्शन में कैसे यूज़ करें, देखिए फ्रेंड्स, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो बच्चे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो जब भी आप अगर बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग में परस्यू करना चाहते हैं, स्टेज पर कॉम्पिटिशन बॉडी बिल्डिंग की जिसमें आप अपने आप को स्टेज पर प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए जब भी बॉडी बिल्डिंग करें और आपकी अगर एज 17 से 18 साल के बीच की है, तब आप अपने नेचुरल पोटेंशियल के साथ में ट्रेनिंग और एक्सरसाइज करें, जो प्रॉपर एथिक्स को यूज़ करें। जब भी आप अगर बॉडी बिल्डिंग, अगर आपका सपना है बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करने का, स्टेज पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कि जब भी आप अगर कम्पीट करना चाहते हैं तो आप एक कोच के अंडर गाइडेंस लेके करें, और अपना नेचुरल पोटेंशियल जो भी है आपका ट्रेनिंग का, जो डाइट आप ले रहे हैं, जो सप्लीमेंटेशन है, वो प्रॉपर होना चाहिए आपका। आपको बहुत डेडिकेशन के साथ में बॉडी बिल्डिंग करनी है, और ये बहुत पेशेंस का गेम है, ये ड्रग्स का गेम नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि आप अगर आप ड्रग्स ले लेंगे या आप कुछ भी साइकिल चलाएंगे तो आप बहुत बॉडी, आपकी मसल ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है, बहुत पेशेंस का गेम है, बहुत सालों लगते हैं इसमें मसल्स को डेवलप करने में, मैच्योरिटी लाने में, मसल मैच्योरिटी को डेवलप करने में। तो जब भी आप अगर एनाबॉलिक्स को यूज़ करने का सोचें, तो उससे पहले आप अपना नेचुरल पोटेंशियल है उसे पूरा रिलीज करें, वर्कआउट ट्रेनिंग हार्ड करें 2-4 साल 5 साल 6 साल, और नेचुरली कम्पीट करें स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा आप किसी कोच के अंडर गाइडेंस लें, वही आपको सही तरीके से बता पाएगा
कि क्या आपको यूज़ करना है कि नहीं करना है, और ये बहुत एक एक्सपेंसिव गेम है, स्टीरॉयड्स एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी डाइट सप्लीमेंटेशन, आपकी जो ट्रेनिंग है, आप जो कर रहे हैं, ये सब गेम बहुत एक्सपेंसिव होती है बॉडी बिल्डिंग। तो जब भी आप अगर स्टेज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने आप को, तो आप पहले अपना नेचुरल पोटेंशियल जो है उस पर आप अपने आप को उसको खींचें, पूरी तरीके से ट्रेनिंग करें, हार्ड करें, तब उसके बाद आप एनाबॉलिक्स के बारे में सोचिए। और अगर एनाबॉलिक्स अगर इस्तेमाल करें तो एक अच्छे कोच के अंडर गाइडेंस लेके यूज़ करें कि कैसे कोई कंपाउंड जो भी आप एनाबॉलिक्स का यूज़ करें कैसे करना है, किस कॉम्बिनेशन के साथ करना है, PCT कब करानी है, और जो ज़रूरत होता है, जो मेडिसिन यूज़ होती है आपके लीवर किडनी को प्रोटेक्ट करने वाले सप्लीमेंट्स है वो क्या यूज़ करना है, आपका ब्लड वर्क, आपका ब्लड टेस्ट आप कराना है अच्छे से, तब जाके आप एनाबॉलिक्स को यूज़ करें। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? ये था मेरा वीडियो एनाबॉलिक्स पे। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पे। तब तक के लिए शुक्रिया।